51 शक्ति पीठों में से एक है शाकंभरी देवी मंदिर, जहां प्रियंका गांधी ने टेका मथा। कभी जाते थे चंद्रगुप्त और चाणक्य भी। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई राज्यों में महापंचायत हो रही है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसानों की महापंचायत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची। महापंचायत में जाने से पहले उन्होंने यहां के प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मंदिर में मत्था टेका। सहारनपुर आने वाले बहुत सारे श्रद्धालु शाकंभरी देवी के दर्शन जरूर करते हैं। इस मंदिर का पौराणिक महत्व तो है ही, ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि सती कलंक गिरने से 51 शक्ति पीठ बने। यह मंदिर भी उन्हीं 51 शक्ति पीठों में से एक है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले यहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां सम्राट चंद्रगुप्त और उनके राजनीतिक गुरु चाणक्य भी आते थे। उन्होंने यहां सेना का गठन भी किया था। बहरहाल इस सिद्धपीठ की व्यवस्था पूर्व रियासत में शामिल राजसमोह घराना करता है। इस घराने का संबंध कलिंग राज्य से बताया जाता है। कहा जाता है कि माता शाकंभरी देवी उनकी कुल देवी हैं। मंदिर की व्यवस्था पहले राणा इंद्र सिंह, फिर उनके पुत्र राणा कुलवीर सिंह और फिर उनके निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी रानी देवलता और उनके पुत्र संभाल रहे हैं। बता दें कि रानी देवलता मुजफ्फराबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक भी रह चुकी हैं। शाकंभरी देवी सिद्धपीठ का परिचय। सहारनपुर मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित सिद्धपीठ माँ शाकंभरी देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। माता के मंदिर के पास ही बाबा भूरा देव, छिन्न नमस्तिका मंदिर, रक्तदंत का मंदिर आदि है। माँ शाकंभरी देवी को आदिशक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। सिद्धपीठ में बने माता के पावन भवन में माता शाकंभरी देवी के अलावा भीमा, भ्रामरी, शताक्षी देवी की प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं। शाकंभरी देवी का एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में संभार झील के पास भी है, जबकि एक अन्य बड़ा मंदिर कर्नाटक के बागलकोट जिले के बादामी में भी है। इस मंदिर का पौराणिक महत्व मान्यता है कि पुरातन युग में जब दुर्गम नाम के राक्षस ने इंद्र, वरुण, पवन आदि देवताओं को बंदी बना लिया था, जिस कारण सृष्टि में अकाल पड़ा था, तब देवताओं ने शिवालिक पर्वत श्रृंखला की प्रथम शिखा पर मां जगदम्बा की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर मां शाकंभरी रूप में अवतरित हुई और राक्षस का संहार कर अपनी माया से अकाल दूर किया। शाकंभरी देवी का सांकेतिक स्वरूप। वहीं मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवालिक पर्वत पर पुरातन काल में मां शक्ति का अंग गिरा था। मान्यता है कि मां भगवती सूक्ष्म रूप में इसी स्थल पर वास करती है। जनवरी श्रुति के अनुसार माता ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले भूरादेव को भी वचन दिया था कि जो भी उनके दरबार में आएगा वे सबसे पहले भूरादेव के दर्शन करेगा। प्रियंका गांधी ने भी देवी के मंदिर में मत्था टेकने से पहले भूरादेव का दर्शन किया। मान्यता है कि शाकंभरी देवी के दर्शन करने से कष्ट दूर होते हैं और उद्देश्यों में सफलता मिलती है। नवरात्र में तो यहां लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। देश भर से लोग मनोकामना लेकर मां के दरबार पहुंचते हैं।